बीवी गिरी। हाँ तो बीवी मतलब उधर देख के बोलो ना। आप क्या दर्शनीय हैं इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ बार बार। आप मेरे बहाने क्या देख रहे हो क्या मुझे पता नहीं चल रहा है? आदमी की तो हालत खराब कर रखी है, वाकई बीवी गिरी चल रही है। मेरे शहर के दो लोग बहुत परेशान, दोनों ही मेरे दोस्त बहुत परेशान। पहला बोला यार जिंदगी खराब हो गई। बोले क्या हो गया यार? मेरी पत्नी को इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता है, सब कुछ बनाना आता है, बनाती कुछ नहीं, रोज होटल में लेके जाती है। दूसरा बोला मेरी हालत तो और भी खराब है, मेरी पत्नी को कुछ भी बनाना नहीं आता है पर रोज बनाती है। मेरे दोस्त में छेड़ते रहते हैं जी, कहते हैं यार अलबेला खत्री तेरी बीवी तो तूफान है, तूफान, पूरा मोहल्ला हिला रखा है। मैंने कहा यार बधाई मुझे दो जो तूफान में भी दिया जला रखा। आए, 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 आए। आज हमारे बीच शैले जी कोई कवित्री नहीं है जी। आम तौर पर कवित्रियां गीत लिखती है, उसका मैसेज ये होता है कि परदेश में पति है जी, पत्नी परेशान हो रही है, सुख के कांटा हो रही है। हाँ हाँ, सोचता हूँ मैं अगर किसी की पत्नी होती, अरे भाई, और मेरा साजन परदेश में होता, ऐसी विभत्स कल्पना तो मत करो यार अलबेला। मान लो होती, चलो मान लिया होती, तो मैं उसे क्या लिखती? आए हाय, क्या लिखती अलबेला? मैं लिखती नहीं, पहली बात तो लिखने का जमाना गया। हाँ, मैं तो फोन फोन और हेलो की जगह हेलो हेलो। ओके हेलो। तो मेरा पति परदेश में और मैं कह रही हूँ हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, जा बसे हो तू काहे इंग्लैंड जी। हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, ए तेरी याद में रात रात भर फिर भी गाने गाऊं, रात गुजारूं डिस्को में सुबह को घर पे आऊं। हाय हेलो डियर हस्बैंड, बिना तुम्हारे क्या हालत है क्या तुमको बतलाऊं, रोटी तो भाए नहीं पिज्जा से काम चलाऊं। हेलो हाय हेलो डियर हस्बैंड, अलबेली का अल्टीमेटम, ए ये मेरा अल्टीमेटम है, जल्दी आओ नाथ वरना मैं सेटिंग कर लूंगी शैले जी के साथ। शोहर बोलना चाहिए था, मैं शोहर नहीं बोला, हस्बैंड बोला। क्यों बताओ ये पूछे क्यों? क्योंकि हस्बैंड शब्द जो है वो अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का ही है। बीवी कहे हस तो हस, बीवी कहे बन तो बन। बीवी गुस्से में सामने आए तो समझना चाहिए कि धरती फटने वाली है, और बीवी मुस्कुराती हुई सामने आए तो समझना चाहिए कि आज जेब कटने वाली है। समस्या दोनों ही तरफ है, लेकिन समस्याएं और भी हैं। जैसे बाजार के लिए क्रेता जरूरी है, वाह, क्रेता से निपटने को विक्रेता जरूरी है, वैसे ही डेमोक्रेसी की दुकानदारी में दलाली करने के लिए नेता जरूरी है। क्या बात। नागरम सुकून मिलता है ठंडा खाने में, अरे चैन मिलता है तो बस रोकड़ा कमाने। लूट दबा कर लूट रे खाती, लूट दबा कर लूट, लूट दबा कर लूट रे खाती, लूट दबा कर लूट। राज अपना है है, राज अपना है, ताज अपना है, मिली है पूरी छूट छूट छूट। लूट दबा कर लूट दबा कर, जब तलक हाथ में कुर्सी है हुकूमत कर ले,
दोनों हाथों से घर में देश की दौलत भर ले। कुछ तो लोगों ने डुबा रखी है पहले लुटिया, अब जो हम आ गए हैं कर देंगे कड़ी खटिया। कम से कम सात पीढ़ियों का सहारा कर ले, जो जहां जितना दिखे धन वो हमारा कर ले। घास जब सामने आ जाए तो चरना अच्छा, माल मिल जाए तो झट जेब में भरना अच्छा। रपट दिखा दे उसे हम शुर 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 झूठ दबा कर दो, झूठ दबा कर दो, झूठ दबा कर दो। कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, क्या बात है। कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, इस पे बूढ़ा भी जो बैठे तो जवानी आए। देखो पदम जी, पदम जी को बूढ़ा कह रहे हैं, बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर तो मंजिल का पता मालूम होता है। आए, 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 आए। खुशी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, इस पे बूढ़ा भी जो बैठे तो क्या बात है। जी पा लिया हम लोगों ने जन्नत का मजा, एक तो दौलत का नशा उस पे हुकूमत का नशा। 2014 में भी मालिक ऐसा करना, सीबीआई वाले हमें ढूंढे तो छिपा लेना, चुनाव आयोग के झंडे से भी बचा लेना। जनता न रूठे कुर्सी न छूटे, उठे कुर्सी ना छूटे, भांडा जान जाए फूट फूट फूट। झूठ दबा कर झूठ दबा, झूठ दबा कर झूठ, झूठ झूठ। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अलबेला, आज तुमने कमाल कर दिया, तुमने दो दो कविताओं के मजे दिए, पहले अलबेली बन के फिर अलबेला बन के। भाई वाह वाह, मुझे नहीं मालूम था कि टू इन वन कला भी तुम में छुपी हुई है, लेकिन बड़ी कमाल की बात कही। और सचमुच लूट का यही हाल है, लेकिन साहब हम भी बड़े अलबेले देश में रहते हैं, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो चाहे जितनी मुसीबत हो, हम लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं, और जिंदगी में गम का क्या है साहब। आ रहा हूँ ये कहने के लिए कि भाई ये जो महफिल है ये कमाल की महफिल, ये महफिल जो अद्भुत है, अद्वितीय है, ये महफिल जो है वो अनमोल है, अनुपम है, इस महफिल जैसा कुछ है नहीं। हिंदुस्तानी टेलीविजन पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो शायद आप देखना ना चाहें लेकिन देखनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप देखना चाहते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलती। यही है वो शो जिसका नाम है वाह भाई वाह, क्योंकि ये कविता और शायरी की ऐसी महफिल है जो दिल से बात करती है, ये सिर्फ आपके कानों तक स्वर पहुंचाने का काम नहीं करती, आपके दिल तक संवेदनाएं पहुंचाने का काम करती है, और जिंदगी में उससे महत्वपूर्ण कुछ होता नहीं है। वैसे संवेदनाएं कई किस्म की होती है, अब अलग अलग किस्म की संवेदनाएं होती है, जैसे जब आदमी के संवेदनात्मक स्तर जब है थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो आदमी ऊंचा नीचा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो फिर उन्हें इलाज के लिए भर्ती करना पड़ता है। हालांकि लोग उन्हें पागल कहते हैं पर ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये एक बीमारी मात्र है। शरीर को जैसे बीमारी होती है मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है और हो सकता है, लेकिन उनका इलाज करते हैं, पर लोग तो है ना मानते कहां है। एक चला गया और वहां जाके उनके डॉक्टर को पूछने लगा कि साहब कैसे पता करते हो कि आपके इसका ठीक है कि नहीं है, कोई तरीका है। अच्छा डॉक्टर साहब वैसे ही उससे बड़े परेशान थे, बड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा था वो, नहीं हम कर लेते हैं पता, नहीं नहीं बताइए ना कैसे पता करते हैं आप, बताइए सर। अरे भाई कर लेते हैं बात, नहीं जरा विस्तार से समझाइए कैसे करते हैं। बोले हम एक काम करते हैं, हम एक बाथ टब को पूरा पानी से भर देते हैं, फिर एक बाल्टी देते हैं, एक चम्मच देते हैं और एक मग देते हैं और कहते हैं इसे खाली करो, तो उससे पता लगा लेते हैं कि आदमी ठीक है या नहीं। तो बोला हाँ समझ में आ गया, जो ठीक होगा वो सीधा बाल्टी से लेकर उसे खाली करेगा, क्योंकि बाल्टी सबसे बड़ी होती है, चम्मच से कब तक खाली करेगा। बोले नहीं, जो ठीक होगा वो प्लग निकाल के जो नीचे होता है ड्रेन का वो एक सेकंड में खाली कर, इनको 39 नंबर पे लेटाओ, ले जाओ।
अरे हम सब काम करना जानते हैं। 140 करोड़ लोगों का देश अलग अलग प्रतिभाओं से भरा पड़ा, लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश में कविता